दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, आशा हॉस्पिटल के सर संचालक है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। सर सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फाइब्रोसिस इन्फेक्शन जो पोस्ट कोविड पेशेंट में जनरली अपन देख रहे हैं, काफी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लंग्स के प्रॉब्लम आ रहे, फुफ्फुस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। यह जो कोविड बीमारी है, इस कोविड बीमारी का जो कोविड से ठीक हो जाने के बाद में कुछ कुछ पेशेंट्स में फाइब्रोसिस होता है, और ये जो फाइब्रोसिस होता है वो उसके बाद में उन लोगों को क्रिपल करता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी आना, ऑक्सीजनेशन कम होना, इस किस्म के सिम्टम्स कुछ लोगों को हो सकते हैं। ऐसे ऐसे मरीजों को हो सकता है कई बार घर पर भी ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़े, और साथ ही साथ में इन्हें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते रहना होगा, और साथ साथ में खान पान अच्छा लेना पड़ेगा, और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स इसके लिए फाइब्रोसिस के लिए भी दवाइयाँ देते हैं। कभी कभी इम्पैक्ट इतना सीरियस हो जाता है कि मेडिकेशन के एफर्ट्स के बावजूद यदि वो रिपेयरेबल नहीं हुआ तो लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन भी करने की जरूरत गिरती है। दैट इज द लास्ट स्टेज। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिसमें होता है वैसी स्थिति आ भी सकती है, उसके लिए सोचना पड़ सकता है मरीज को, मरीज के रिश्तेदारों को, डॉक्टर्स को। पोस्ट कोविड में ऐसी भी चीजें डिटेक्ट हुई है कि जो एक बार यदि कोविड का पेशेंट है रिकवर होता है, या उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे को कोरोना हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक पता भी नहीं चलता, और वो पास आउट हो जाता, बाद में वो उसमें कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन आ जाते हैं कि उसका जो ब्रेन है, मतलब तो जो ब्रेन की जो वेन्स को जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता, उसकी वजह से उसको पैरालिसिस का अटैक भी आता है, तो ये कहाँ तक सच्चाई इस बात पे? यह जो बीमारी है कोविड की बीमारी में मेनली जो लंग्स में भी जो स्थिति होती है वो वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। इसी तरह का वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ब्रेन में भी हो सकता है, और ब्रेन में होने की वजह से लकवा होना बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये हमने काफी पेशेंट्स देखे हैं जो कोविड की वजह से लकवे से ग्रस्त हुए हो, ऐसे ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं। कोमॉर्बिडिटी वाले जो पेशेंट है पर्टिकुलरली, आज भी उनके दिमाग में फियर साइकोसिस है, आज भी उनके इसमें दहशत भरी है, हॉस्पिटल जाने के लिए वो अवॉइड करते हैं कि कहीं हमको उसका इम्पैक्ट ना हो जाए अपना कोरोना का, तो ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मेरा सजेशन ये है कि कोई भी बीमारी को जांच करना, मालूम करना, और उसके प्रति सचेत होकर के उसके जो भी उपाय है वह उपाय करना, यह बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि घर पर बैठे रहेंगे तो उससे इलाज नहीं हो पाएगा। पहली बात, उस बीमारी की सिम्टम्स हैं क्या, वो सिम्टम्स यानी निदान करना, डॉक्टरों के द्वारा निदान करना, और आवश्यक उपाय करना, जैसे खून पतला होने की दवाइयां भी डॉक्टर दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। सर अमूमन आपको याद भी है, आमतौर पर देखा गया है कि जो ICMR की जो गाइडलाइंस है उसमें पर्टिकुलर जितने भी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, उनको एक प्रिकॉशन के तौर पे जितने भी पेशेंट्स विजिट करते हैं या कोई उनके रिलेटिव्स आते हैं, तो उनका अपना ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से उनका इंफ्रारेड से टेम्परेचर ये करना, देखना कि मास्क लगाए कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे, और टेम्परेचर नोट करना, पल्स चेक करना उनका, तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए ICMR की गाइडलाइंस है। आपके यहाँ पे देखा, हम लोग जैसे विजिट किया तो इंफ्रारेड का टेम्परेचर कोई नोट डाउन नहीं कर रहा, फिर मास्क और सैनिटाइजेशन भी जो अपना पर्सन यूज कर रहे कर रहे, तो इस बारे में आपका क्या खुलासा है? मुझे लगता है ये होना चाहिए और हम लोग भी ये करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना तो अत्यंत आवश्यक ही है। सोशल डिस्टेंसिंग आपके हॉस्पिटल में मेंटेन हो रहा, लेकिन इंफ्रारेड का जो पर्टिकुलरली मैंने इंफ्रारेड का भी हमने शुरुआत की थी, लेकिन अभी इतने कम केसेस है उसकी वजह से उसको कम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसको और ज्यादा एक्टिवली एग्जीक्यूट करें। यदि कोविड पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं पर्टिकुलरली जो पॉजिटिव है, तो आपका जो गवर्नमेंट है, GNC जो हॉस्पिटल है, नोडल ऑफिसर्स है, उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है पर्टिकुलरली? नोडल ऑफिसर्स गवर्नमेंट के जो नोडल ऑफिसर रहते हैं, गवर्नमेंट नोडल ऑफिसर को जो इन्फॉर्मेशन करना रहता है हम लोग करते ही, डेली हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। और ये भी देखा गया कि जितने जो हार्ट के पेशेंट के अलावा जो पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट लेडी है, जो
अपना कोविड पॉजिटिव है उनको भी काफी सचेत रह के आगे चल के वो अपना ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता। हाँ, ये तो ऐसे जो लेडीज है पर्टिकुलरली महिला है उनको आप अपने तरफ से क्या ये दोगे, गाइडलाइंस क्या रहेंगे आपके हिसाब से? जो भी वल्नरेबल है, वल्नरेबल में ये लोग भी आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी आते हैं, हर एक के लिए बेसिक प्रिकॉशंस तो वही है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जिनके साथ जिनको जहां पर भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाना, मास्क पहनना, अच्छा खान पान रखना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना और स्ट्रेस फ्री रहना, यही उनके लिए सजेशन रह सकता है। अभी तक के आपके हॉस्पिटल में कोविड के कितने पेशेंट थे, कितने पेशेंट्स में से डेथ होगी और कितने पेशेंट को आपने जीवनदान दिया? मोर देन 400 केसेस हम लोगों ने ट्रीट किए, डेथ का तो मुझे अभी अंदाजा नहीं है एग्जैक्टली, मैं बता नहीं पाऊंगा। और जो बाकी लोग अच्छी तरह निकल करके गए हैं, 92 वर्ष की महिला भी एक पेशेंट थी जो सफर कर रही थी, वो भी पेशेंट निकल कर गई है यहाँ से, अच्छी होकर के गई। और जो 22/25 सीवियरिटी जिसको अपन बहुत सीवियर केसेस बोलते हैं, ऐसे भी केसेस यहाँ से ठीक होकर के गए। बेसिकली इसमें ऐसा है कि आप किसी का बता नहीं सकते कोविड पेशेंट में कौन सा पेशेंट डिटोरिएट होने वाला है और कौन सा पेशेंट डिटोरिएट नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से जिसके पैरामीटर्स खराब हैं, लंग्स के पैरामीटर्स खराब है, बाकी जो वाइटल एक्टिविटीज खराब है, SpO2 जिसका लो है, जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जो जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोग निश्चित रूप से ज़्यादा सफर होते हैं, ऐसे लोगों में मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। बीच में जो अपना प्रशासन है, अपना सरकारी प्रशासन जो है महानगर पालिका, उन्होंने एक ऑडिट कमेटी बैठाई थी, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है पर्टिकुलरली उनके इसमें काफी एरर्स पाए गए बिलिंग में, तो ये पेशेंट से काफी ज्यादा पैसे वसूल किए उन्होंने, तो ऐसे केसेस काफी डिटेक्ट हुए हैं, इंक्वायरी बैठ गई है और उनका नाम भी पब्लिक हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहूंगे कि मतलब इस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है तो ऐसा हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने करना चाहिए क्या आपके हिसाब से? नहीं, कोई भी जो चीज गलत है वो तो नहीं गलत ही है, जो गलत है वो गलत है, बाद में ऑडिट में उनको पैसा तक वापस करना पड़ा। हाँ, वो तो उनका प्रेस्टीज पॉइंट अलग चला गया। आज भी कई हॉस्पिटल है जैसे पेशेंट एंटर करते हैं और कोविड का रहा तो उनके समय ऐसा डर भर देते हैं कि उनको पहले पैसे डिपॉजिट 1 लाख भरो, 1.5 लाख भरो, तो ये इस तरह की भी वारदातें हो रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अभी इस तरह की वारदात तो कहीं सुनने में नहीं आती, लेकिन यदि हो रही है तो गलत है। राजेंद्र अग्रवाल, आशा हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ में यह मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना की यद्यपि वैक्सीन अवेलेबल हो गई है उसके बावजूद भी, और कोरोना के केसेस घट भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो अभी जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से जो स्ट्रेन भारत में भी आया है उससे पुनः एक बार कोरोना के केसेस बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और अपना स्वतः का ध्यान रखें। हमारे इस हॉस्पिटल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मो रेगुलेशंस, टेम्परेचर जांच करके लोगों को बचाओ और उन्हें सलाह दी जाती है कि किस तरह से कोरोना से अपने आप को बचाए, पर आप स्वस्थ रहें और समाज को स्वस्थ रखें और इस तरह हमारे देश की हम सेवा कर सकें। धन्यवाद।